लेबर कोड के माध्यम से हम लोग जहां मजदूरों को लाभ देने जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो देश में जो न्यूनतम वेतन है वो लगभग 30% वर्कर्स ही उसका लाभ उठा पाते हैं। समय पर उनका वेतन का भुगतान नहीं हो पाता, अनऑर्गेनाइज जो असंगठित क्षेत्र है उसमें ये दिक्कत है, और इसीलिए यूनिवर्सलाइजेशन की जो बात कही गई है कि न्यूनतम वेतन की यूनिवर्सलाइजेशन की जाएगी, पूरे देश भर में एक जैसा उसका हो, कम से कम एक न्यूनतम वेतन गरीब से गरीब मजदूर को मिले, इसके लिए इस कदम को उठाया गया है। और जो क्षेत्रीय असमानता है, जो रीजनल डिस्पैरिटी है न्यूनतम वेतन में, उसको भी इसके माध्यम से दूर किया जाएगा, वैधानिक रूप इसको दिया जाएगा और नेशनल फ्लोर वेज इसमें इंट्रोड्यूस की जाएगी। यही नहीं, जो इसको तय करने के तरीके हैं मिनिमम वेजेस, उसको और सरलीकरण इसका किया जाएगा ताकि इसमें कंप्लायंस ज़्यादा हो और रुकावटें कम हो। नियुक्ति पत्र भी सभी मजदूरों को मिलेंगे, और यही नहीं, साल में एक बार स्वास्थ्य का चेकअप भी होगा, हेल्थ चेकअप भी इनका होगा, और जो खतरनाक क्षेत्र में काम करने वाले, जहां खतरा रहता है, ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले जिनके काम करते हैं मजदूर, उनके लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड भी लाया जाएगा जो उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। यही नहीं, पोर्टेबिलिटी जो है वेलफेयर बेनिफिट्स की, ये भी सभी प्रवासी मजदूरों को मिलेगी, और ESIC का लाभ भी, इसका भी पैन इंडिया पूरे देश भर में इसकी कवरेज सभी जिलों में हमारे मजदूरों को मिल पाएगी, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट जो संस्थान है वो 10 से ज़्यादा वाला है, उतने तक का है। और इसके अलावा मैंडेटरी ESIC कवरेज भी नोटिफिकेशन से माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी एम्प्लॉयज़ को, जो ऐसे खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वाले उनके लिए होगी। सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी गिग वर्कर्स के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए मिलेगी। रीस्किलिंग करनी बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि जो लोग वापस गए हैं काम करने के लिए, उनको वापस उनको स्किल प्रदान करके वहाँ पर उनका कैसे लाभ मिल सके, रोजगार मिल सके, इस दिशा में भी काम किए जाएंगे। और सोशल सिक्योरिटी फंड का भी असंगठित क्षेत्र के लिए प्रावधान करने का हम प्रयास करेंगे, प्रोविजन किया जाएगा। और जो महिलाओं के लिए कामकाज के क्षेत्र खुले हैं, उसमें रात्रि के समय अगर काम करना पड़ता है, ड्यूटी करनी पड़ती है, तो उसमें सेफगार्ड्स अलग अलग तरह के लाए जाएंगे।